हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं जितने भी फीमेल का पेपर है होम साइंस का। आप देख रहे हैं सेकंड पेपर है, हमने फर्स्ट पेपर पहले से अपलोड कर रखा है। दोस्तों ये बात करने वाले हैं होम साइंस बीएससी सेकंड सॉरी बीए सेकंड ईयर वालों के लिए होम साइंस का पेपर है, सेकेंड पेपर है। और आप देख रहे हैं चिल्ड डेवलपमेंट पेपर का नाम हो जाएगा। 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ 18 से 19 क्वेश्चनों को देखेंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% ला सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, या फिर आप कह सकते हैं यूके मतलब उत्तराखंड से हैं, तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। पेपर होने से 2 दिन पहले आपके लिए 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम में आते होंगे, सेम टू सेम एग्जाम में आते होंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। बस इतना याद रख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, इनके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, कुछ और नहीं देखना है, कुछ और नहीं सोचना है, ठीक है? कि ये क्वेश्चन आ सकता है, कुछ जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूं बस इतना पढ़ो, आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है? बस ध्यान से पढ़ना। मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपके पास नोट्स है तो आप नोट से पढ़ो, आपके पास गैस पेपर है तो आप गैस पेपर से पढ़ो। बस इतने क्वेश्चनों को टिक लगा लो, उसमें वही पढ़ लो। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम तो आपकी हर तरफ से मदद करते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसे ही मदद हम करेंगे, ठीक है? आपको कोई भी समस्या आती है पीडीएफ डाउनलोड करने में या फिर हमारे ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है सर, उसका रिप्लाई करेंगे, उसका लिंक शॉर्ट में दे देंगे। हम सब कुछ आपको कर सकते हैं, बस आप हमारे हमेशा साथ रहो। हम ये चाहते हैं आप हमेशा हमारे साथ रहें, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा हर परिस्थिति में हम आपका साथ देंगे, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को शेयर कर देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे, पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास का सिद्धांत को देख लेंगे और जो विकास हुआ था तो उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं रही हैं, कौन कौन सी बाधाएं आई थी वो भी हम देखेंगे, और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से थे। वही मैंने कहा ना, बाधाएं कौन कौन सी आई थी इसको बाल विकास को प्रवाहित करने में, विकास का सिद्धांत क्या रहा, उसकी अवस्थाएं क्या क्या रही थी, ये सारी हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा देंगे। आप चिंता मत करो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। साथ ही साथ एक चैनल और है हमारा जिसका नाम है बीए पेपर हैकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा है। बीए बाई पेपर हैकर आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे बेटा? बीए बाई पेपर हैकर, इस प्रकार से आप सर्च करना, पेपर हैकर आप इस प्रकार से सर्च करना, आपको वहां मिल जाएगा। बीए बाई पेपर हैकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, स्त्री के जनन अंगों का वर्णन करना है। आप जानते हैं विजेनिया वगैरह, यूनि जिसे बोलते हैं, तो उनके जनन अंगों के बारे में और गर्भाशय के बारे में पूरा यहाँ स्ट्रक्चर बना के आपको याद कर लेना है, ठीक है? विजेनिया विजेनिया सब कुछ आपको वर्णन दिखाना पड़ेगा पूरा, कि जो स्त्री के जनन अंग होते हैं उनके बारे में, ठीक है? और यहां बोला गया गर्भधान किस प्रकार होता है, उनके लक्षण बताओ। तो जो प्रेगनेंसी होती है उसके टाइम जो गर्भधान होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके लक्षण बताओ। देखो ये जानना आपको बहुत जरूरी है, इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये गलत कुछ नहीं है, ऐसा समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, ये गलत कुछ ऐसा नहीं है। ये लाइफ सबके साथ रिप्रोडक्शन चलता है, रिप्रोडक्शन तो सभी कराते हैं, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, कीट हो, पतंग हो, वो सब लोग इस पर मतलब कि अपनी संतान, अपनी कह सकते हैं पीढ़ियों को दर पीढ़ी बढ़ाते रहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये चीज शर्माने की बात वाली कुछ नहीं है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये आपके लाइफ के लिए कुछ कुछ दिलचस्प बातें होंगी जो आपको याद होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं जो हम कहाँ कुछ गलत भी हो सकता है हमारे साथ में, उसको किस प्रकार से सही करें, वो सब कुछ आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। गर्भधारण किस प्रकार से होता है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, जब आप प्रेगनेंसी मतलब मान लो प्रेगनेंट हो गई तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे आपको, बुखार आएगा, कहते हैं उल्टी आती है, ऐसा कुछ होता है मुझे पता नहीं, तो आपको लक्षण देख लेना, ऐसा बोला जाता है लेकिन ऐसा खास होता नहीं है, जीवन चाहता है ये बात कह सकते हैं। यहाँ देखो कुछ हमारी बॉडी में एक
एक पहले कभी हुआ ना हो, जो पहली बार होता है, तो कुछ ना कुछ उसमें अजीब कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान रखना। यह बोला है गर्भावस्था में होने वाली बीमारियां, अब देखो कौन कौन सी बीमारियां, जब आप प्रेग्नेंट है, जब आप प्रेग्नेंट है तो आपके लिए कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, उसके टॉक्समिया वगैरह होती है तो उनके बारे में देखना, और गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, कौन से गर्भकाल, जो गर्भकाल विकास होता है, जिस समय आपका गर्भ ठहरा है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं में ठहर सकता है, वो सारी जानकारी यहाँ दी जाती है। यहाँ बोला गया है प्रसव पीड़ा क्या होता है, प्रसव पीड़ा के प्रकार कितने होते हैं, प्रसव पीड़ा, ये सब हम आपको गर्भधारण, ये सब वीडियो बना के दे देंगे, आप चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके हमेशा साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अच्छे तरीके से तैयारी करो और बेहतर पढ़ो, अच्छा करके आओ, कुछ नया करके आओ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अच्छे नंबर से पास हो, कोई भी दिक्कत आती है हमारा नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमें कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है, हमसे बात कर सकते हैं, इस कोई भी दिक्कत आ रहा है उसका नोट्स के बारे में पूरा सोल्यूशन हम बताएंगे हम आपको, ठीक है, किस प्रकार से आपको नोट्स डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करने का लिंक भी देंगे हम व्हाट्सएप पे, ठीक है, कोई भी समस्या आ रही है आपको एक्स वाई जेड हमें आप बताइए। यहाँ बोला गया है देखो प्रतिरक्षा क्या होता है, इसका टीकाकरण के बारे में आप बताएंगे, जब हमें प्रसव पीड़ा कोई होती है तो हमें टीकाकरण की आवश्यकता वगैरह होती है, प्रतिरक्षा क्या है वो आप सब कुछ याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। यहाँ बोला गया है विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है वो देखेंगे, और क्रियात्मक विकास क्या है, उनकी सीमाएं, उनकी विशेषता, उनके महत्व को याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो मानसिक विकास है उसकी विशेषता क्या है, मानसिक विकास के बारे में, खेल और उनके कार्य, उनके अंतरों के बारे में देखेंगे, खेल और उनके अंतरों के बारे में देखेंगे, ठीक है, खेल और उनके कार्य, उनके अंतर के बारे में देखेंगे, महत्व और प्रकार भी खेल के देख लेंगे, ठीक है, मानसिक विकास मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार देखिए बेटा, यहाँ बोला गया है व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करना है, तो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो याद करना है, और प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बालक, आप मान लो कोई आपका चिल्ड्रन है, छोटा बच्चा प्रतिभाशाली है, वो कैसे आप पहचान करोगे, उनकी विशेषता क्या है, ठीक है, और समस्यात्मक जो बालक है उसकी विशेषता क्या होती है, तो समस्यात्मक बालक को भी आप पढ़ेंगे, ये सारे हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद में बोला गया है बाल, यहाँ बोला गया है बाल अपराध के कारण क्या होते हैं और उसके उपचार किस प्रकार से होता है, तो बाल अपराध क्या होता है। उसके बाद में वृद्धि और विकास, देखो वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में देखते हैं, ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में, और उसके बाद में देखो यहाँ बोला गया है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद करोगे बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर आपसे पूछता है, इसको याद करेंगे। यहाँ बोला गया है बालक के लिंग निर्धारण का वर्णन, आपको देखो ये लिंग को हम सेक्स रिप्रोडक्शन कहते हैं, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, निर्धारण की बात की जा रही है तो लिंग डेवलपमेंट कह सकते हैं, तो बालक के लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, और आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर बेटा ये ब्लड फैक्टर होता है, आपको पता होगा ब्लड, जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा ए और बी, उसके अंदर आरएच फैक्टर होता है, उसके बारे में आपको देख लेना है। गर्भ अवस्था में आपसे देखो बोला गया है पौष्टिक आहार कौन कौन से होते हैं, उनका देखभाल आप किस प्रकार से करेंगे, तो आप गर्भ अवस्था में है जब प्रेग्नेंट है, जब आप प्रेग्नेंट है तो आप गर्भ अवस्था में, जो प्रेग्नेंट को गर्भ अवस्था बोलते हैं, उसमें आप आहार किस प्रकार से, कौन कौन से पोषक तत्व का आहार लोगे, उनको किस प्रकार से आप देखभाल करोगे वो यहाँ बोला गया है। और साथ ही साथ यहाँ बोला है गर्भपात को समझाइए, गर्भपात क्या होता है, बेटा गर्भपात का मतलब होता है आप प्रेग्नेंट है और आपने क्या किया, क्रॉस करा दिया, गिरा, मतलब कह सकते हैं गिरा दिया बच्चे को, तो ये गर्भपात कहलाता है, ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, गर्भपात कहलाता है, तो गर्भपात क्या होता है समझाना आपको, उसके बारे में बताना है, तो गर्भपात, और ये आपको पता होगा जो जो भारतीय दंड संहिता होती है आईपीसी, जिसे हम क्राइम कह सकते हैं, जो पुलिस हमें पकड़ के लेके जाती है, वो 312 के तहत, 313 के तहत होता है ये सब कुछ सिस्टम, ठीक है, धारा 313 याद रखना, धारा 313 जो लगती है ना वो कब लगती है, जब धारा 313 तब लगेगी बेटा, जब आपका हस्बैंड मान लो, या आपका कोई भी मित्र कोई भी है, आप प्रेग्नेंट है और उस बच्चे को गिरा देता है कोई, ठीक है, अब जब गिरा देगा बच्चे को तो क्या, मतलब गर्भपात कर देता है बिना आपकी मर्जी से, और आप उसमें कहते हो नहीं मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, और वो कहता नहीं ये बच्चा जन्म नहीं दोगे, तो मतलब ये गिराने की कोशिश की जाती है, आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो गिरा देता है, मतलब दवाई आपको खिला देता है, बहुत सारी बातें हैं,
तो धारा 313 लगती है वहां, और यदि आपकी मर्जी से गिरता है तो धारा 312 लगती है। धारा 312 यदि आपकी मर्जी है, उस बंदे की मर्जी है जिसने, जिसका बच्चा है, तो धारा 312 लगती है। यदि सरकार को यह पता चलता है, कानूनी अपराध है, ठीक है, गर्भपात करना कानूनी अपराध है, आप इसको नहीं करोगे। यदि कोई इसका इतलाह करता है कि ऐसा व्यक्ति ने, इसने किसी ने किया है, तो ये धारा दोनों लगती है, धारा 312, धारा 313, ये बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन यदि कोई, यदि इसमें किसी का सहयोग होता है, तो मतलब कोई ऐसा करता है, विवश करता है, और किसी ना किसी का, ये दोनों फीमेल और मेल उस चीज को जन्म देना चाहते हैं और कोई उसको विवश करता है, तो ये धारा लगती है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये धाराओं को तुम्हें जरूर थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फीमेल है, कोई आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, और आप कोई जो भी है, आपका हस्बैंड कोई भी है, और वो कहता है नहीं ऐसा कर, बात करो, उस दवाई खाओ, उसको गिराओ, तो बहुत सारी बातें हैं, तो वो बिना आपकी मर्जी के गिरा देता है, तो आप धारा 313 लग जाएगी उस पर, आप यदि पुलिस में जाते हैं कंप्लेन करते हैं तो, ठीक है, आपका हमेशा सुनी जाएगी। और यहाँ बोला गया स्तनपात का लाभ क्यों, बताइए सॉरी बेटा तबीयत खराब हो रही मेरी। देखो कह रहे स्तनपात का लाभ बताइए, और गर्भधान, जो गर्भधान है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। और यहाँ बोला गया है भाषा विकास क्या होता है, और साथ ही साथ बोला गया है वाणी और भाषा में अंतर क्या होता है। वाणी और भाषा, देखो बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, सामाजिक विकास को, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और दो क्वेश्चन और बस पढ़ना, ये वाले जिसे कह रहे हैं क्रोस, किशोर अवस्था की विशेषता क्या होती है, और यहाँ कह रहे हैं नाखून काटने की समस्या, जो समस्याएं हैं वो बताना, नाखून काटने की और प्रभावशाली बालक की विशेषता, तो मैंने ऊपर बता चुका हूं प्रभावशाली व्यक्ति की, इनको हटा देना है। और यहाँ बोला गया बाल न्यायालय क्या होता है, बाल न्यायालय और कह सकते हैं किशोर, जो किशोर अपराध होता है उससे आप क्या समझते हैं किशोर अपराध, बस इतना आपको पढ़ लेना है, बाकी कुछ नहीं करना। और यहाँ से आप 85% प्लस लेके आएंगे, मतलब 85% प्लस यहाँ से फंसेगा, और 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो एग्जाम से कितने दिन पहले बेटा, 2 दिन पहले, आप उनको पढ़ लेना और अच्छे तरीके से रट लेना। बाकी इनको पढ़ना है अभी से, ये सब कुछ याद करना है, और इनमें से ही मैं 10 क्वेश्चन दूंगा जिसको एग्जाम टाइम में आपको रटना होगा, मतलब अच्छे तरीके से नंबर लाने के लिए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, कोई भी इशू बनता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी कॉल भी कर सकते हैं, आप कोई भी समस्या आती है हम उसका निवारण करेंगे, और अच्छे तरीके से आपकी कोई भी दिक्कत आती है उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।